हो रहा था सब्सिडी का इंतजार, उधर कर्मचारी करोड़ों गए डका। पीएम की योजना में गड़बड़ छाला, गैस सब्सिडी में बड़ा घोटाला, यूपी में हो गया गजब। जी हां, अब इसे व्यवस्था की बदहाली कहें या बेईमान हो चुके ईमान का कसूर। सरकार जनता की सहूलियत के लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन भ्रष्टाचार का दीमक सब कुछ खोखला कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है रसोई गैस सब्सिडी के साथ भी। इधर हो रहा था सब्सिडी का इंतजार, उधर कर्मचारी करोड़ों गए डका। पीएम की योजना में गड़बड़ छाला, गैस सब्सिडी में बड़ा घोटाला, यूपी में हो गया गजब। तो सवाल यह है कि क्या यह सिस्टम की सुस्ती का नतीजा है? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आसिम बकार हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, दरअसल रसोई गैस सब्सिडी में बड़े घोटाले की बात सामने आई है। पूर्वांचल के करीब 5 मंडलों में बड़े स्तर पर सब्सिडी में घोटाला हुआ है, जिसके बाद इंडियन ऑयल अब पूरे देश में जांच करवाने पर विचार कर रहा है। डीबीटीएल यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी, ये वो योजना है जो पीएम मोदी की नवरत्नों वाली योजना में से एक है। सरकार ने नीति बनाई थी नेक नियत से, मकसद भी साफ था कि सीधा खाते में जाएगा सब्सिडी का पैसा, लेकिन पलीता लग गया सारी प्लानिंग को। पीएम मोदी की योजना में पलीता, गैस सब्सिडी में करोड़ों का घोटाला, गजब हो गया अपने उत्तर प्रदेश में। रसोई गैस की सब्सिडी भी घोटाले का शिकार हो गई। पूर्वांचल के करीब 5 मंडलों में करोड़ों का घपला सामने आया है। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद, देवीपाटन मंडलों में रसोई गैस सब्सिडी में घपले की बात सामने आई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश भर में जांच करवाने पर विचार कर रहा है। डीबीटीएल के फॉर्म में खाता नंबर की हेरा फेरी, एक ही खाते में 263 लोगों की सब्सिडी। सबसे बड़ा गजब तो गोरखपुर में हुआ है। डीबीटीएल के फॉर्म में ग्राहकों के खाता नंबर भरने के बजाय एजेंसी का कर्मचारी ने अपना खाता नंबर डाल दिया, वो भी एक तो नहीं बल्कि 263 लोगों के फॉर्म में। अब सभी की सब्सिडी उसके खाते में आती रही, शायद इसी को कहते हैं हाथ की सफाई। और जब तक पोल खुली तब तक तो 20 लाख का मालिक बन बैठा। अब जाँच होगी, कुछ होगा तो कार्रवाई भी होगी। इसमें इंडियन ऑयल कंपनी के अफसर प्रॉपरली उसकी जाँच कर रहे हैं और जांच में जो भी गुण दोष पाएगा उसके आधार पर उस एजेंसी संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गैस सब्सिडी घोटाले की परतें खुलने के बाद इंडियन ऑयल के अधिकारी भी सकते में हैं। इतना बड़ा घपला तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ये हो गया अपने उत्तर प्रदेश में। अब सियासत की गलियों में शोर मच रहा है, सब अपने तौर तरीके से इसकी व्याख्या में व्यस्त। पिया को धन्यवाद दूंगा कि सारे घोटाले पकड़े जा रहे हैं और इन सारे घोटालों के सूत्र कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के बड़े अधिकारियों के ऊपर जाएंगे, सरकार के ऊपर जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अपरिपक्व रूप से जो काम किए हैं, एक दबाव देकर के जो काम किया है, गरीब लोगों से सब्सिडी छीनने का जो काम किया है इस सरकार ने, इस सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल सरकार ने बड़ी शिद्दत से शुरू की थी सीधे जनता के खाते में सब्सिडी की ये योजना, लेकिन जब पीएम की महत्वाकांक्षी योजना का ये रंग तो बाकी का कितना बदरंग होगा, सवाल तो ये है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो डायरेक्ट गैस सब्सिडी योजना में बड़ा घोटाला। इसके तहत जाने वाली जो सब्सिडी है वो ग्राहकों के खाते में नहीं बल्कि कर्मचारियों के खाते में जा रही है। ग्राहक परेशान हैं लेकिन कर्मचारी मौज ले रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हरिश्चंद्र हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और समाजवादी पार्टी के नेता आसिम बकार, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। डायरेक्ट खातों में सब्सिडी के जरिए ग्राहकों को लाभ देने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहां तो अधिकारी और कर्मचारी मौज ले रहे हैं। हिंदुस्तान में लंबे समय तक इस बात की मुश्किल सामने आती रही कि हजारों हजार करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है तमाम योजनाओं में सरकारी, वो अंतिम लाभार्थी तक नहीं पहुंच रही। ये एक सामान्य शिकायत थी। मिट्टी के तेल में यही समस्या थी, गेहूं चावल में यही समस्या थी,
खाद में यही समस्या थी, गैस सिलेंडर पर यही समस्या थी। सरकार जिस पर सब्सिडी दे रही उसको होटल वाला यूज कर रहा, ये समस्या है। तो एक व्यवस्था आई चिदंबरम के समय में ही, वो आकार लेने लगी कि भाई कैश ट्रांसफर करिए, अंतिम लाभार्थी जो है एंड बेनिफिशियरी जो है उसके अकाउंट में पैसा जाए, इसमें बीच के सारे लोग हट जाएंगे तो एक आदर्श व्यवस्था हो जाएगी। बात अच्छी थी, 100% अच्छी थी, मोदी जी ने उसको लागू किया उसका भी स्वागत। हम सब लोग इसकी मांग भी करते थे कि हजारों हजार करोड़ रुपए पानी में नहीं फेंकने चाहिए, ये जनता के टैक्स का पैसा है। लेकिन हमने जैसे इस प्रोग्राम को कैचलाइन दिया, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, उत्तर प्रदेश में गजब हो गया, वास्तव में गजब हो गया, हिंदुस्तान भर में नजीर बना दी 5 मंडलों ने। ऐसा दिमाग कोई नहीं लगा पाया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कोई नहीं, पश्चिम बंगाल, बड़े बड़े जगलर है सब जगह, लेकिन वो सारे जगलर फेल हो गए। जगलरी के इस ओलंपिक टेस्ट में हमारे इन 5 मंडलों के लोग सर्वोच्च आ गए। इन्होंने क्या तोड़ निकाल लिया, गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन आम आदमी तक के पास है आज की तारीख में, नीचे तक है। उसका फार्म भी एजेंसी वाला भरेगा, उसका अंगूठा भी एजेंसी वाला लगवाएगा, दस्तखत भी वही कराएगा, सब काम ठीक किया, नाम असीम बकार रहते यहां, ये कनेक्शन नंबर सब ठीक, किस खाते नंबर में पैसा चाहते हैं उसमें अपना लिख दिया। ये 5 मंडलों में चला, सैकड़ों करोड़ की हेरा फेरी हो गई, एक कर्मचारी पकड़ा गया, 20-25 हजार रुपए रोज उसके खाते में आ रहे थे, रोज। बोला क्या करते थे, बोले एफडी करा लेता था हफ्ते के हफ्ते सब निकाल के। ये तो अजब लूट है, लूट का एक नया तरीका है, पूरी योजना ही फेल हो जाएगी अगर ये तरीका हुआ। अब इंडियन ऑयल की आंख खुली, बोले देश भर में जांच कराएंगे, स्वागत है। लेकिन यहां दो बातें उठती हैं, एक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा कि नहीं हो रहा, यह देखना। गैस का एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं इसमें कुछ लोचा तो नहीं है, कोई खेल तो नहीं है। आंख बंद करके कलेक्टर और खाद्य पूर्ति अधिकारी क्यों बैठा रहा, उन पर भी सवाल उठता है। और इंडियन ऑयल जैसी जो कंपनियां हैं, जो एलपीजी प्रोवाइडर है भारत में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, उनको भी आंख कान खोल के रखना चाहिए था, ये देखना चाहिए था कि ये जो एक ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई गई, एक खाता नंबर 250 उपभोक्ताओं के फॉर्म में, एक ही खाता नंबर, ये कहीं ऑटो चेक के मोड में जाए बात, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई। ये तो प्रथम दृष्टया समझ आता है कि एक खाता 250 लोगों के सब्सिडी का उपयोग के लिए कैसे वैलिड हो सकता है, ये चेक क्यों नहीं हुई बात। अगर चेक नहीं हुई तो मेरी चिंता यह है कि अब तक पता नहीं देश भर में कितना खेल हो गया हो, रास्ता यूपी ने दिखाया, बाकी राज्यों ने भी अनुसरण किया होगा, इसलिए ये बड़ा सवाल लेके आया। ये बड़ी लूट है, ये तो उससे भी ज्यादा लूट है जो पहले लूट हो रही थी जब सीधे कंपनी को पैसा जा रहा था सब्सिडी का, ये तो उससे भी गंदी लूट है। एजेंसी मालिक कर्मचारी करोड़ों के बारे न्यारे कर रहे हैं और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इसलिए मुझे लगा नहीं, आज कम से कम उत्तर प्रदेश को जगाना चाहिए, उत्तराखंड को जगाना चाहिए, उसके जरिए देश जागे। बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत जी, ये इतना बड़ा घोटाला हुआ, इसमें जिला प्रशासन खामोश रहा, खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया गया, और सबसे बड़ी बात देखिए कि रोज एक ही खाता संख्या में 100-100, 200-200 उपभोक्ताओं की जो सब्सिडी थी वो ट्रांसफर हो रही थी, बैंक की तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया। देखिए गायत्री, यहां पर कुछ बातें, कुछ प्रश्न बड़े गंभीर रूप से उठेंगे, कुछ प्रश्न तो अमिताभ जी ने उठाए और बहुत अच्छे उठाए हैं और उनका स्वागत होना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए।
लेकिन कुछ प्रश्न यहाँ पर मैं आपको अपनी तरफ से, चूंकि मैं भी एक उपभोक्ता हूँ और मैंने और मेरे परिवार के और मेरे साथियों के जगहों पे जिस तरीके से डीबीटीएल के खाते आधार लिंक हुए, आधार लिंक की नहीं था तो फलानी चीज का हुआ, और जो उनके खातों का वेरिफिकेशन था, जिस प्रकार से वेरिफिकेशन यहाँ लखनऊ में हुए गैस एजेंसियों में, वो अपने आप में एक व्यवस्था का प्रश्न था। और बाकी जगहों पे ये सारी चीजें नहीं हुई, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने इस सरकार ने पिछली सरकार के काम को आगे बढ़ाया, ये लोग सब लोग कहेंगे, क्योंकि जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हमारा काम नहीं था, पिछली सरकार का काम था। भाई पिछली सरकार ने तो एक कॉन्सेप्ट दिया, उसको मूर्त रूप आप लाए आज की डेट में। वहां पर जिस प्रकार से आप लोगों को चेक एंड बैलेंसेस रखने चाहिए थे, ये सारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, एचपीसीएल को या बीपीसीएल को, जिस प्रकार के चेक एंड बैलेंसेस की साहब आप आधार कार्ड लिंक करेंगे या आप वोटर आईडी कार्ड लिंक करेंगे, क्योंकि जब तक आपके नाम का, मैं आपसे बताऊं, मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, मेरा नाम सुरेंद्र राजपूत था मेरे खाते में, तो वहां पर उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं साहब, आपका खाता जब तक सुरेंद्र सिंह राजपूत का नहीं होगा तब तक हम आपको आपके खाते पर पैसा नहीं दे पाएंगे। तो मैंने एक एफिडेविट दिया कि नहीं भाई, सुरेंद्र राजपूत और सुरेंद्र सिंह राजपूत एक ही है। ऑन ओथ जब मैंने कहा कोर्ट से, तब गैस एजेंसी के लोग माने इस बात को। तो किस व्यवस्था में, किस परेशानी में या किस वजह से उन पांच मंडलों में या पूरे देश में जहां जहां ये बातें हुई हैं, क्योंकि इनके चेक एंड बैलेंसेस बहुत थे, वहां पर अगर इन लोगों ने जो कमियां की हैं, वो कमियां किस वजह से की हैं, ये बड़ी जांच का विषय है। इसमें हम ये कहें कि साहब जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी हो या और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसके पास तो जब जांच जाएगी कि भाई सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, कमी हो, यहां पर तो सीधे सीधे कैश लिंक, जिसको कहते हैं ना कि साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के जरिए इन सारी चीजों को काम किया गया। तो मैं बड़ी स्पष्ट मांग करता हूं कि पूरे देश में इसकी जांच हो, और खाली इंडियन ऑयल ही जांच न करे, सारी जितनी एजेंसियां हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन के जितने इंस्टीट्यूशन है, अरुण जेटली जी के अंडर में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हम लोग ला रहे हैं, पिछली सरकार का आगे लोग कर रहे हैं, उसकी कंप्लीट जांच हो। चूंकि ये इतना बड़ा विषय आ गया, अभी तो ये कुछ 100 करोड़ का होगा, कुछ 1000 करोड़ का होगा, लेकिन अगर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में इतनी बड़ी सेंध लग जाएगी, अमिताभ जी मेरी बात को आप समझे थोड़ा सा, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये बहुत बड़ी सेंध लग गई, तो लाखों करोड़ की सब्सिडी एक झटके में कहीं से कहीं चले जाएगी। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि 100-100, 500-500 करोड़ का जो वो है ट्रांजेक्शन, अचानक से किसी एक्स वाई के बैंक में चला जाता है। ठीक है, इसमें एक बात और आती है असीम मकार जी, सुरेंद्र भाई ने कहा कि हमको एफिडेविट देना पड़ा, तो उसके तो मेरे समझ में बात आ गई, जब एजेंसी वाला ही यहां मुख्य जांच करता है, एजेंसी वाले का संतुष्ट होना जरूरी है कि आपके पेपर वैलिड है, ठीक, इसीलिए वो आपसे कहीं राशन कार्ड मांगेगा, कहीं आई कार्ड मांगेगा, कहीं वोटर कार्ड मांगेगा, कहीं कुछ ना कुछ मांगेगा, नहीं तो कहेगा एफिडेविट लाओ। जब एजेंसी वाले को ही अपना नंबर देना है तो वो तो संतुष्ट है, परम संतुष्ट है, उसे आपका कनेक्शन नंबर चाहिए, बाकी तो वो खुद ही भर लेगा सब, एक चीज। लेकिन मेरी चिंता इससे बड़ी है, जैसा सुरेंद्र जी ने कहा कि भाई ठीक है, कुछ 100 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हो गई, अब जग गए हैं हम लोग, हो सकता है इसमें कुछ चेक एंड बैलेंस लगे, लेकिन मैं तकनीकी आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं आशंका मेरे जहन में आई, इसलिए शेयर कर रहा हूं जनता से। अगर मान लीजिए कल को इनकम टैक्स में जो एडवांस टैक्स जमा होता है उसका रिटर्न आता है, वो भी एक बैंक अकाउंट नंबर देने से ही ट्रांसफर हो जाता है बैंक में। अगर बैंक में अकाउंट ही अपना देने की स्थितियां सर लोगों में पैदा हो जाएगी दूसरे का देने की, तब तो इस देश का अर्थतंत्र बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा, जमीन पर आ जाएगा। अमिताभ जी उसी ओर मैंने इशारा किया था, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री ने ये इनकम टैक्स रिटर्न भरा तो उसमें एक बैंक अकाउंट दे दिया कि भाई मेरा पैसा इसमें ट्रांसफर कर देना। अगर वहां पर वो फोर्जरी होने लगे जो यहां हुई, यहां तो 300-350 रुपया मिलता है शायद मेरे ख्याल से सब्सिडी का, जो भी मिलता होगा एक महीने में, लेकिन वॉल्यूम बड़ा है, एलपीजी कनेक्शन देश में बढ़ जाता है, लेकिन वहां तो बड़ा अमाउंट है। अगर ये फोर्जरी होने लगेगी,
तब तो ये किसी भी सरकारी योजना में संभव है असीम बकार जी, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो देश की हो। अमिताभ जी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कह दूं कि जिस तरह से ये घोटाला किया गया है, ये तय है कि जो घोटालेबाज लोग होते हैं, जो अपराधी मानसिकता के, चोर मानसिकता के लोग होते हैं, वो कानून तोड़ने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं कि कब कानून बने और कैसे तोड़ा जाए। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाह रहा था कि हमारे मुल्क में एक बहुत अजीब सी बात है कि 60% से ज्यादा गरीब है हमारे मुल्क में, तो यहां जो नियम और नीतियां बनाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं सरकारें या नेता ये कोशिश करते हैं कि जो नीति बना रहे हैं भले ही वो फायदा ना करे, नुकसान करे गरीबों को, लेकिन वो ऐसी दिखाओ कि जैसे हर गरीब ये समझे कि साहब हमारे लिए कुछ किया जा रहा है और सरकार हमारे लिए गंभीर है, और अगर 5 साल के बाद नेताजी को वोट मिल जाए सरकार फिर से बन जाए। सबसे बड़ी खराबी यह है। दूसरी मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि जिस तरह का यह घोटाला हुआ, ये घोटाले तब तक के होते रहेंगे जब तक के नीतियां बनाने वाले लोग सही तरीके से देश के लिए और देश हित में काम नहीं करेंगे। देखिए जिस तरह से गैस का काम अभी शुरू हुआ, आधार से जोड़ो और खाता खुलाओ, अगर इस पर अगर आपने एक जमीनी स्तर पर जांच की होती तो 2 से 3 महीने 4 महीने जो आवाम थी, जो गैस घरों में जला रही थी, यूज कर रही थी, आम आदमी जो राजनीति में नहीं था, वो वाकई में बहुत दौड़ भाग कर रहा था और परेशान हो रहा था। ये सच्चाई है। और फिर भी कहीं किसी की कोई कमी रह रही थी, किसी की कोई कमी रह रही थी। मैं समझता हूं कि जब आपको सब्सिडी देना है तो कहीं ना कहीं, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है अमिताभ जी, एक खाता है, उसका एक खाता नंबर है, एक अकाउंट खुला हुआ है कंपनी में, अगर आपको सब्सिडी देना थी तो मैं समझता हूं ये सब्सिडी वाला सिस्टम जो शुरू किया गया था ये इसलिए होता है कि आज इनसे 700 रुपए लो, 300 वापस करो, फिर साल 6 महीने के बाद उस 300 में से कुछ जुगाड़ करके 150 वापस करो, तो धीरे धीरे करके जहर दिया जाना होना ये चाहिए। वो विषय यहाँ नहीं, होना नहीं, वो विषय नहीं होना ये चाहिए। नहीं, अमिताभ जी होना ये चाहिए कि अगर आप सब्सिडी दे रहे हो तो मैं समझता हूँ डायरेक्ट आप 400 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो तो आप 400 रुपए का सिलेंडर भेज दो, जब दोबारा दूसरा बुक करने आए तो आप उससे पूरे पैसे ले लो। ये तरीका थोड़ा सा टिपिकल करने से बेहतर है कि आम आवाम है उसके लिए सिस्टम अगर सही कर देते। ठीक है, आपकी बात आई। मेरी समझ ये कहती है कि नहीं, वो प्रयोग भारत करके देख चुका कि पूरा सब सिलेंडर 400 के कर दो और 300 रुपए से भारत सरकार उस पर सब्सिडी दे, तो पता लगता है आम आदमी ने तो इस्तेमाल किया 50% सिलेंडर, और 50% सिलेंडर ढाबे वाले और औद्योगिक लोग और कारोबारी लोग इस्तेमाल कर ले गए और गरीब की पी कमर टूट गई। नहीं, ये योजना तो ठीक है, इसमें जो बात है चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं लगे, बहस उस पर है असीम बकार जी। योजना तो अद्भुत है, योजना ठीक है, योजना में संशय नहीं। हरिचंद श्रीवास्तव जी जी, कोई भी आदमी अकाउंट नंबर लिख रहा है तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए ना कि जो अकाउंट नंबर उसने दिया है ये उसी का है। बिल्कुल होना। इस वेरिफिकेशन के बिना एक गैस एजेंसी का गोरखपुर में, एक पूरे गोरखपुर की नगर वहां एक आदमी जो पकड़ा गया, वहां कर्मचारी था, मालिक नहीं, उसके खाते में 263 कितने 263 लोगों की सब्सिडी ट्रांसफर हो रही थी। मतलब कोई इंतहा है लूट की कि नहीं, ये सब मुमकिन कैसे हुआ मैं समझना चाह रहा हूं। मैं इस बात से थोड़ा अपने को अलग रखता हूं हमेशा। आपने कहा एजेंसियां प्राइवेट होती हैं और उनमें आदमी भी प्राइवेट होते हैं, कल को थानेदार कहेगा भाई अपराधी प्राइवेट होते हैं, उनसे हमसे क्या मतलब? नहीं, ये कोई मतलब नहीं ना। नहीं, क्यों नहीं मतलब? कैसे मतलब है? कैसे मतलब है भाई? आखिर जिन्होंने ये गड़बड़ किया है, जिन्होंने घोटाला किया है, वो उसके जिम्मेदार हैं। प्राइवेट का क्या मतलब है? उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आपकी जान, हरीश जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे एजेंसी से जो फार्म जाता है ना, वो सारे फार्म, एक सेकंड सुनिए, वो सारे फार्म दो सरकारी निकायों में चेक होते हैं। एक सरकारी निकाय है इंडियन ऑयल,
और एक सरकारी निकाय है राष्ट्रीयकृत बैंक। कैसे मान लू कि ये सारा धंधा प्राइवेट है? ये जिम्मेदारी किसकी है? इंडियन ऑयल और बैंक की दोनों की जिम्मेदारी बनती है। इंडियन ऑयल और बैंक नंबर चला रहे हैं। इंडियन ऑयल नहीं, हाँ भाई वाह, इंडियन ऑयल और बैंक के कर्मचारी भी उसके जिम्मेदार। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, इंडियन ऑयल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ननकू चला रहा है क्या? ये सरकार चला रही है, यही तो पूछ रहा हूँ। सरकार चला रही है, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं, सरकार तो कोई वो एक व्यक्ति नहीं है ना। किसने कहा एक व्यक्ति है? किसी बात कर रहे हो? उसका उसका अंग है। ये जो डबल स्टैंडर्ड बात हमको मत बताओ भाई। नहीं डबल स्टैंडर्ड ना, बिल्कुल गलत बात है। मेरा हरीश जी, हरीश जी एकदम साफ नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। मेरा नपना एक रहता है, अगर 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 कन्नौज में एक दरोगा ने किसी गरीब के थप्पा मार दिया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदार हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जिम्मेदार हो सकते हैं। तो इंडियन ऑयल की गड़बड़ी के लिए आपके पेट्रोलियम मंत्री क्यों नहीं जिम्मेदार हो सकते? और बैंक की गलती के लिए वित्त मंत्री क्यों नहीं कटघरे में खड़ा हो सकता भाई? अगर एक पत्रकार की हत्या के लिए पूरी सरकार कटघरे में हम खड़ी कर सकते हैं तो मुझसे ये उम्मीद मत करिए कि मैं आपको बरी कर दूंगा। सरकार इसलिए नहीं चला रहा हूं राजपूत जी, ये तो बड़ा खतरनाक तर्क है। वो करे सब प्राइवेट मामला है, क्या करें? बताइए हरीश, हाँ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी की मजबूरियां हैं जब ये लोग सत्ता में होते हैं। मजबूरी नहीं है हरीश जी, मैं बीच में नहीं बोला सरकार, मैं आपको बड़ी मैं आपसे सम्मान कह रहा हूँ। बीच में ना बोले, आप अपनी बारी पे बोले, मैं आपकी बारी पे नहीं बोला बिल्कुल भी। आप स्वतंत्र हैं, आप उसके लिए पेट्रोलियम मंत्री को जिम्मेदार ठहरा हुआ, वित्त मंत्री को जिम्मेदार ठहरा हुआ, इसमें मुझे कोई वो नहीं। आप आपकी अपनी वो है, लेकिन जो कर्मचारियों की गलती है, जो कर्मचारी घोटाले कर रहे हैं सीधे तौर पर, वो अलाउ मी टू स्पीक, और जो एजेंसियां आपकी बात आ गई ना, अब उनको बोलने दीजिए। जी सुरेंद्र जी, देखिए बड़ा मसला है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ। पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से, बल्कि 11 साल, 1 साल प्रदेश सरकार के लिए भी, जिस प्रकार की इन्होंने अनर्गल अनैतिक आरोप लगाए सारे, अब ये सारे के सारे, अब जैसे आपने बहुत बढ़िया बात कही कि वो इंडियन ऑयल किसके अधीन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसके अधीन, मैंने आपको पिछली बार भी, मैं डायरेक्ट नहीं कहना चाहता था, लेकिन अब हरीश जी मजबूर कर रहे हैं, मुझे डायरेक्ट कहना मेरी खराबी है। मैं आप बहुत अच्छा करते हैं अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं सच्चाई ये है कि डीबीटीएल स्कीम में अगर आप देखेंगे, उसको ठीक तरीके से देखेंगे, तो बगैर सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार के कोई चीज संभव ही नहीं है। वो डीलर क्या कर लेगा? जहां उसके ऊपर एक एसओ बैठा हुआ है, सेल्स ऑफिसर बैठा हुआ है इंडियन ऑयल का, भारतीय पेट्रोलियम का, और वो बैंक मैनेजर क्या कर लेगा जिसके ऊपर कितने लोग ऊपर से नीचे तक बैठे हुए हैं? और फाइनेंशियल जो आती है, पावर आती है, जो पैसा आता है, बगैर सरकारी मदद के कहां कुछ संभव है? आज की डेट में ये लोग ये नहीं मानना चाहते, अब तक सीआईसी नहीं था, सीबीसी नहीं था, अब घोटाले खुलने शुरू हुए हैं। और ये घोटाले एक नहीं, जिस प्रकार से इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो कमियां रखी हैं, लाखों करोड़ के घोटाले अभी खुलेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं बीच में नहीं बोला, हरीश जी आपकी बारी, आपकी बारी, ऐसे नहीं बोलो, हरीश जी ऐसे नहीं, ऐसे आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बारी में तो याद नहीं रखती, दूसरे की बारी में जरूर बोलती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की मैं आपसे बताऊं, एक मिनट सर, जी जी, 30 सेकंड मुझे दे दीजिए खाली, जी जी, मैं आपको बताऊं कि यहां पर जब से सीबीसी और सीआईसी आया, आप देखिए सारी चीजें खुलनी धीरे धीरे शुरू हो गई। आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो कमियां हैं उनको दूर करने की बात नहीं कर रहे हैं, आप हर चीज के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा की तरीके से कहें, इसके लिए ये जिम्मेवार, इसके लिए ये जिम्मेवार, फलाने के लिए वो जिम्मेवार। अरे भाई, नरेंद्र मोदी के फुल प्रूफ सिस्टम के लिए कौन जिम्मेवार? ठीक है हरीश जी, अभी हरीश जी अपनी बारी पे, हरीश जी आप तो सीनियर आदमी, अपनी बारी बोलिए। असीम वकार जी, एक सवाल आपसे, मैं एक उदाहरण दे दूं, फिर सवाल पूछूंगा। दलित बच्चों की छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति, विकलांगों के लिए आने वाली सरकारी सहायता राशि का जब कहीं घोटाला होता था तो राजनीतिक दल जो सत्ता में नहीं होते थे, विपक्षी राजनीतिक दल जब जुलूस निकालते थे तो वो उस सरकार को हाय हाय करते थे, ठीक,
वो बाबू को चपरासी को हायर थोड़ी ना करता कभी, नहीं ना। आवाम किसको कटघरे में खड़ा करेगी, जिसको वोट देगी उसी को करेगी ना कि बाबू को खड़ा करेगी। असीम मकार निश्चित तौर पर नहीं, मैं बाबू ने बाबू ने तो कभी वोट नहीं मांगा ना, जो उसने हमसे वोट मांगा हमारा हक उस पर, उसका हक बाबुओं पर। तरीके को समझिए लोकतंत्र के। मेरे गांव के ननकू का हक उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर, नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर, इनका हक कर्मचारियों पर। ये कर्मचारी दुरुस्त रखे, लेकिन जनता तो सवाल इन्हीं से पूछेगी ना। बगार साहब इसमें कोई अजूबी बात कह दी क्या? नहीं, आपने कोई अजूबी बात नहीं कही। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में नहीं थी और हुकूमत में आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, तो चाहे एक पत्थर गिरे, चाहे कोयले का घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ होता था, और चाहे कहीं के ऊपर गाड़ी पंचर हो जाए, तो हर मामले में प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, स्टेट में है तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, जिस डिपार्टमेंट का मामला है उसके मंत्री जिम्मेदार, और जब अपने ऊपर पड़ रही है तो वो क्लर्क जिम्मेदार, वो चपरासी जिम्मेदार, वो एजेंसी मालिक जिम्मेदार। ये सिर्फ कमी इस बात को उजागर कर रही है कि ये तजुर्बेकार सरकार नहीं है, इनके पास तजुर्बों की कमी है, इनको पता ही नहीं है, ये पहली बार इस तरह से हुकूमत में आए हैं, इनको पता नहीं है कि कैसे सरकार चलाई जाती है, कैसे स्कीम्स बनाई जाती हैं, कैसे नीतियां बनाई जाती हैं। क्योंकि नीतियों में अगर कमी होगी तो अपराधी व्यक्ति जो है वो आपका फायदा उठा ले जाएगा, और मैं समझता हूं यहां भी यही हुआ है। क्योंकि जो एजेंसी मालिक है उसका काम कंज्यूमर तक गैस पहुंचाना और पैसे लेकर कंपनी के खाते में जमा कर देना, लेकिन आगे जो सब्सिडी का जो मामला है वो भारतीय कंपनियां, चाहे वो बैंक हो चाहे वो इंडियन ऑयल का कॉरपोरेशन हो, इनका मामला होता है कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, जो सब्सिडी है वो किसके खाते में कितनी जाएगी। मैं समझता हूं इनकी स्कीम इस तरह की बनाई गई थी कि उसमें इन्हीं ने इतनी ज्यादा लूपहोल्स छोड़े हुए हैं, इतनी कमियां छोड़ी हुई हैं कि अगर इसकी जांच की जाएगी तो शायद मैं समझता हूं यह भी खुल के सामने आ जाएगा कि ये कमियां जानबूझ के छोड़ी गई हैं या अनजाने में हो गई हैं, तजुर्बेकारी की कमी है इनके पास, कुछ ना कुछ है, या तो घपलेबाजी कराने के लिए किया गया है, या मैं समझता हूं इनको काम करना नहीं आता है, दोनों में से एक बात है। लेकिन यह सच है कि इसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है, इनके वित्त मंत्री की है, इनके पेट्रोलियम मंत्री की है, और अगर इनके पेट्रोलियम मंत्री और भारत सरकार के वित्त मंत्री इस मामले को अपने ऊपर नहीं ओढ़ते हैं तो इनके दोनों के ऊपर है प्रधानमंत्री। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये गलतियां क्यों हो रही हैं, किससे हो रही हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार है वो सजा का हकदार है, उसको सजा होना चाहिए। घपला एक रुपए का हो या एक अरब रुपए का हो, चोरी चोरी होती है, बेमानी बेमानी होती है। हरीश जी, मैं वही सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी कि महत्वाकांक्षी योजना पीएम की है, सरकार इस योजना को लेकर आई और बाकियों को अधिकृत कर दिया कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाए, चाहे बात इंडियन ऑयल की हो या फिर बैंक की हो। सवाल ये उठ रहा है कि जनता तो आप ही से सवाल पूछेगी ना, क्योंकि शिकायत लेकर वो कर्मचारियों के पास जाती है, कर्मचारी अगर इतने ईमानदार होते तो ये घोटाला ही ना होता। नहीं गायत्री जी, मैं स्वागत करता हूँ आपके चैनल का कि आपने ये विषय उठाया है, तो निश्चित रूप से सरकार का ध्यान गया है और सरकार तात्कालिक रूप से इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और जो भी इसके लूप होल्स होंगे उनको चेक बैलेंस को दुरुस्त करेगी। रहा सवाल हमारे समाजवादी साथी वासिम बकार साहब कह रहे थे कि सरकार को सरकार चलाने नहीं आता केंद्र सरकार के लोगों को, तो मैं तो इनको निमंत्रित करता हूं अपने सुरेंद्र भाई को, ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत सारी बातें बता रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो माई गवर्नमेंट साइट दिया है कि जिसको जो सुझाव देना हो, जहां कोई कमी हो जो सुझाव देना हो, जिन नीतियों में जिन कार्यक्रमों में कोई बदलाव के लिए लिखना हो, कहीं कोई कमी गवर्नेंस में आ रही हो उस पर आपने सुझाव डाल दिए। जिस प्रधानमंत्री ने एक साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पत्रकारों से बात नहीं की, हमारे सुझाव कहां जाएंगे? पत्रकारों से बात करना, एक साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अमिताभ जी, विषय बदल जाएगा। वो भी आप लिखिए, अगर आपको ये लगता है कि हरीश जी ठीक है, हरीश जी ठीक है ठीक है, माँ मोदी जी को सुझाव देना चाहिए, आप ये करें मोदी जी को सुझाव देना चाहिए, ठीक बात है, ठीक बात है हरीश भाई, ठीक है जी जी, उनकी नीतियों से आपको गड़बड़ लग रहा जी, बात करें बिल्कुल ठीक ठीक।
सुरेंद्र राजपूत, मेरा बड़ा आधा तकनीकी और आधा सामान्य सा सवाल है, जिससे रेलवे में 2.25 करोड़ लोग रोज ट्रेवल करते हैं इंडियन रेलवे में, उसमें करीब 88 लाख लोग उस टिकट पर करते हैं जो पीएनआर जिसमें होता है, और बाकी लोग जनरल टिकट पर सर्वे ट्रेवल करते हैं, लेकिन एक पीएनआर रिपीट नहीं होता। मेरा और सुरेंद्र राजपूत दोनों अलग अलग टिकट लेंगे तो पीएनआर एक नहीं हो सकता, गड़बड़ी नहीं हो सकती, फ्लैश हो जाएगा तुरंत। वैसे ही बैंक का अकाउंट जब से वो 16 नंबर या 14 डिजिट का हुआ है, चाहे यहां ऑपरेट करो हजरतगंज में और चाहे चेन्नई में करिए, चाहे बेंगलुरु में करिए, चाहे यूएस में करिए, वही नंबर आप ही का नाम आएगा निकल के निश्चित तौर पर। इसमें एक आदमी एक खाता नंबर आदमी का तो चेहरे नहीं सामने बैंक के या इंडियन ऑयल के, उनके सॉफ्टवेयर में यह चीज क्यों नहीं आई? ये छोटा मसला नहीं, 300 रुपए का मसला मत कहिएगा इसको, ये दसियों करोड़ लोग एलपीजी होल्डर हैं, दसियों करोड़, एक महीने में 300 रुपया एक आदमी का, जोड़ घटाना करके देख लीजिएगा, उतने जीरो नहीं गिन पाएंगे हम आप, कि छोटा फ्रॉड है क्या? अमिताभ जी अगर आप इजाजत दें तो ये मैंने आपसे सबसे पहले ही अर्ज किया था कि खाली गैस सिलेंडर की सब्सिडी में तो इतना बड़ा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में तो जो कैश सब्सिडी है हर गरीब के खाते में, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मनरेगा का हो, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, कहना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा लूप होल्स जो इस समय फाइनेंशियल मैटर में है, आप इस पूरे पूरे देश के पैसे को अपनी नासमझी में या अपनी क्रिमिनल रूप से नेग्लिजेंस में, क्योंकि सरकार में अगर कोई रहेगा और इतने बड़ा आप क्या नाम आप नेग्लिजेंस करेंगे तो दैट हैज टू बी काउंटेड एज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। आप कुछ क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आप जब इस काम को करते हैं तो आप तात्कालिक रूप से सामाजिक ही नहीं तकनीकी और मॉरली भी दोषी हैं। इस प्रकार की किसी भी गड़बड़ के लिए जो खाते का धारक है वो जिम्मेवार नहीं, जो गड़बड़ कर रहा है वो तो नटवरलाल है ही है, लेकिन जो उस नटवर लाल को गड़बड़ी करने के लिए सुविधाएं मुहैया करा रहा है अपनी तकनीकी खामियों की वजह से, उसका हेड जो है, ठीक है, इस पर उसको मेरा सवाल दूसरा था, उस सवाल का जवाब अगर आप लोग नहीं देंगे तो जनता को बहुत समझ में नहीं आएगी बात। मेरा सवाल ये, एक दो तीन चार मान लीजिए अकाउंट नंबर है, समझिए बात को सरल भाषा में कहे, एक दो तीन चार एक अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर 700 कस्टमर्स के फॉर्म पर लिखित है, फॉर्म मिनिमम दो जगह स्क्रूटनी में जाएगा, एक ऑयल कंपनी स्क्रूटनी करेगी कि तथ्य सही है कि नहीं, और एक बैंक करेगा जब कैश ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना, दोनों करेंगे निश्चित। वहां ये बात क्यों नहीं ब्लिंक की मॉनिटर पर कि ये अकाउंट 700 लोगों के खाते में कैसे दिख रहा है, एक के फॉर्म में एक अकाउंट? बिल्कुल सही बात, वही बात ये मैं समझना चाह रहा हूं सर, ये बेसिकली इतनी बड़ी तकनीकी गड़बड़, मैं कह तो रहा हूं कि कुछ लोगों ने जो क्रिमिनल एक्टिविटी की है जिसका सीधे सीधे सूत्र केंद्र तक जाएगा, मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी जो कि रेलवे की पीएनआर में नहीं गड़बड़ है, जो और चीजों में नहीं गड़बड़ है, मैं अपना खाता खोले हुए उसमें गड़बड़ नहीं है, यहां पर इस तरीके की तकनीकी गड़बड़ सिर्फ कैश सब्सिडी में क्यों? एक एलपीजी सिलेंडर पे पकड़ी गई, मेरा अपना अभी ये एक अनुमान है कि ये बाकी जगहों पे भी जहां जहां कैश सब्सिडी हो रही है वहां वहां पर भी इतने बड़े घोटाले हो रहे होंगे और अभी पकड़े नहीं गए हैं। आप लोगों को साधुवाद कि आप लोगों ने पकड़वाया इसको, बाकी जगहों पे भी ये पकड़े जाएंगे। अजय वकार जी, ये एक लूपहोल छोड़ी हुई है। अजय वकार जी, फिर वही सवाल, एक खाते पर 263 लोगों की सब्सिडी ट्रांसफर हो रही, दो स्तरों पर मिनिमम जांच, जो मैं सुरेंद्र जी से कह रहा था, ऑयल कंपनी वो भी सरकारी है, बैंक भी सरकारी है, ठीक, यानी एक की नोडल एजेंसी फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक की नोडल एजेंसी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, और दोनों का नोडल एजेंसी, दोनों की नोडल एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको, यही ना अर्थ हुआ सरल भाषा में, हुकूमत हिंदुस्तान। ये सामान्य सी कमी जो हर आदमी को समझ आ जाएगी कि ना भाई ये तो गड़बड़, एक खाता 263 लोगों के कैसे हो सकता है? द्रौपदी का उदाहरण भी है तो द्रौपदी और पांच पति, ये तो 263
एक ही लेके भाग गया बघार साहब। नहीं अमिताभ जी, मैं पहले भी मैंने आपसे कहा, दोबारा फिर कह रहा हूं, हो सकता हो पहले समझा नहीं पाया था। देखिए, जिसके नाम गैस सिलेंडर है, जिसके नाम वो किताब बनी हुई है, तरीका यह है कि वही आदमी या वही महिला अपना खाता बैंक में खुलवाकर उसको अटैच करेगी, उसी के खाते में आएगा। जिस नाम से गैस सिलेंडर बुक है उसी नाम से खाता खुलना जरूरी है। लेकिन एक ही खाते में 263 लोगों का पैसा आने का मतलब यह है कि इनका कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेशन है, ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और जो बैंक है इनका, वो दोनों की कहीं ना कहीं मिली भगत है। मैं समझता हूं कि खाली एक जगह पर यह गड़बड़ नहीं होगी, ये तो पकड़ में आ गई है। अगर इसकी गहराई से जांच की जाएगी और अंदर तहों में घुसा जाएगा तो मैं समझता हूं कि इस तरह का घोटाला पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह पे मिलेगा। क्योंकि इस तरह के घोटाले जो हैं, भाई जब मैं अपने नाम से गैस है या मेरी मिसेस के नाम से गैस है तो यह कहा जा रहा है खाता अगर आप अपने नाम से खुलवाएंगे तो ही आपके खाते में पैसा आएगा, और अगर आप खाता अपने नाम से नहीं खुलवा रहे हैं तो पैसा नहीं आएगा। तो कौन सा ऐसा रीजन है कि इतने इतने खातों के पैसे एक खाते में चले जा रहे हैं और मालूम नहीं पड़ रहा है? मैं समझता हूं इसको अगर भारत सरकार ईमानदार है तो सबसे पहले इसमें गड़बड़ी करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के हो चाहे बैंक के हो, इनको फौरन के फौरन नौकरी से निष्कासित किया जाए। जो लोग इसमें घोटाला करके बैठे हुए हैं इनको जेल भेजा जाए, और उसके बाद में ऊपर से लेकर नीचे तक के जांच की जाए। अगर जांच में बहुत इस तरह की घोटाले मिलते हैं तो यह समझ लिया जाए कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो जानबूझकर लूपहोल छोड़ रहे थे कि इस तरह के घोटाले करो और हमको पैसे पहुंचाओ। हरीश श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है इस मामले में जांच गैस एजेंसी पर बैठे बबलू नाम के लड़के ने फार्म भरा ननकू का? समझ आती बात? ठीक, फार्म भर के बबलू का रोल खत्म हो गया, भले उसने अपने नंबर डाल दिया, ठीक, फिर वो स्क्रूटनी में जाएगा। बबलू भारत सरकार का वित्त सचिव तो है नहीं कि उसके दस्तखत से पैसा ट्रांसफर हो गया जी? वो तो बबलू है ना, मुंह में गुटखा खाए, कान में बीड़ी लगाए बैठा है, शिक्षे के पीछे एजेंसी में, ऐसे ही ना चरित्र है? वो वित्त सचिव तो है नहीं भारत का, ना आरबीआई का गवर्नर है? पैसा ट्रांसफर, मनी गवर्नमेंट से पैसा ट्रांसफर सबसे ज्यादा चेक एंड बैलेंसेस के साथ होता है ना। ट्रेजरी में किसी दिन बैठ के देखिए कैसे पैसा ट्रांसफर होता है, होता तो ऑनलाइन है लेकिन उस पर 10 लोगों का प्राधिकार है, होती है जी जी, जिससे कहीं कोई लोचा नहीं हो कि पता लगे जिले भर की पेंशन अपने खाते में ट्रेजरी ऑफिसर ने ट्रांसफर कर ली, तब तो फिर ऐसा भी हो जाएगा। अगर एक आदमी 300, 400, 500 लोगों की सब्सिडी अपने खाते में ट्रांसफर करवा सकता है चेक इन बैलेंसेस को धता बता के, तो किसी दिन कोई ट्रेजरी ऑफिसर जिले भर की पेंशन अपने खाते में क्यों नहीं ट्रांसफर कर लेगा? ये किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर करा के उससे हिस्सा क्यों नहीं ले लेगा? हरी जी, नहीं, ये गंभीर प्रश्न है और ये इंडियन ऑयल और बैंक दोनों के पार्ट पे एक बड़ा नेग्लिजेंस है। दोनों के अगर ये निगाह में बात नहीं आई तो एक बहुत गंभीर बात है, और इसके जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से उसके दोषी हैं। लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है, ये बड़े पैमाने पर इस तरह की चीजें जो आई हैं सामने कि भाई कई मंडलों में इस तरह के घटनाएं आई हैं सामने, तो ये तो ठीक है कि कॉन्सिक्वेंसी आज आपराधिक कॉन्सिक्वेंसी या घोटाले की आप भ्रष्टाचार में बैंकों में अक्सर प्रकाशित होते हैं खबरें, आप ही लोग लाते हैं कि भाई किसी बैंक मैनेजर ने और किसी बैंक के क्लर्क ने इतना गबन कर लिया, घोटाला कर लिया, तो वो मानसिकता जो उस मानसिकता के हैं वो तो गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल के हों चाहे बैंक के हों, उन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि एक एक चीज को वेरीफाई करें कि आखिर ये किस स्तर पे हुआ, और ये बड़ी कमी है। और सरकार पूरी तरह से जो भी इसके दोषी होंगे निश्चित रूप से उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, और भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो उसके लिए भी कदम उठाएगी सरकार कि इस तरह की किसी भी उपभोक्ता के साथ और गड़बड़ी ना हो, उसके हक के साथ गड़बड़ी ना हो, उसके लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है। और आप
ने इस चैनल पे ये बात ला करके एक बड़ी बात आपने रखी है और अवेयरनेस की, और इसका सरकार निश्चित रूप से संज्ञान मिलेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई। सुरेंद्र जी एक बात आई कि जनता को जागरूक होना चाहिए, मैं जनता की जागरूकता के मसले पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। ननकू नाम का आदमी बहुत ज्यादा जागरूक हो गया, मान लीजिए किसी दिन सुबह, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री जागरूक हो गया, उसकी चरम जागरूकता समाप्त हो जाएगी राधेश्याम गैस एजेंसी के दरवाजे तक, यही होगी जागरूकता निश्चित तौर। वो इराक तो चला नहीं जाएगा जहां से तेल आ रहा है कच्चा मुआयना करने, ज्यादा भी जागरूक हो जाए तो वहीं जाएगा राधेश्याम गैस एजेंसी, जिसके पास इंडियन की एजेंसी होगी, वो जाके पूछेगा तो मालिक से भी नहीं मिल सकता ननकू, वो साइकिल लगाएगा किनारे पेड़ के और जाके गमछा से मुंह पोछता हुआ जाएगा, कहेगा भैया बाबूजी हैं क्या, बाबूजी कहेंगे हाँ बोलो है, चले आए सुबह सुबह, बोले बाबूजी हमारी सब्सिडी नहीं आई, बोले पागल हो सब्सिडी नहीं आई, मुंह उठाए चले आए, एक साल की खट्टी आएगी, कायदा कानून सब बदल गए, जाओ शांत रहो। वो परम जागरूकता के कर्तव्य का, पुनीत कर्तव्य का निर्वहन करने के बाद वापस चला आएगा, क्या करेगा, मुझे समझे ना। इस देश का आदमी जिसकी कमर पहले से टूटी हुई है सामान्य जन की, वो क्या कर लेगा, वो वहां से ननकू ये बोल सकता है उस गैस एजेंसी के बाबू को कि मेरी फाइनेंस सेक्रेटरी से बात कराओ, जॉइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम से बात कराओ, चेयरमैन इंडियन ऑयल से बात कराओ, मैं पूछूंगा क्या नियम है, क्या बोल सकता है सीतापुर का आदमी, गाजीपुर का आदमी, शाहजहांपुर का आदमी, आजमगढ़ का ननकू, कतई नहीं बोल सकता। अमिताभ जी मैं आपको बताऊं, अमिताभ जी एक निदा का एक दोहा याद आता है कि रस्ते को भी दोष दे आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। जो व्यवस्था का प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के सामने, गुड गवर्नेंस का प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के सामने, जो मुंह बाए खड़ा है, अगर इसको ये लोग एड्रेस करें, अभी भी चार साल बाकी हैं तो बेहतर होगा। ये एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के लिए जो मंकी शिफ्टिंग पॉलिसी है, अगर इस तरीके से ये लोग चार साल गुजारेंगे तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि जो ननकू की आपने बात कही है, ननकू परम जागरूक हो सकता है लेकिन व्यवस्था जब तक जागरूक नहीं होगी, व्यवस्था में जब इस तरीके की ब्लैक शिप्स जब तक रहेंगी और जब तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर और पेट्रोलियम मिनिस्टर जब तक इसका कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, तो आपको अभी यह भी नहीं पता होगा कि इस तरीके की कैश सब्सिडी और कहां कहां जा रही है और उन जगहों पे क्या क्या गड़बड़ी हो रही है। ननकू तो बेचारा एक है, उसको अगर तीन जगह से 30-30 रुपए मिलने हैं तो मिलने तीनों जगह से 90 रुपए हैं, लेकिन वो 90 रुपए कोई और लोग लिए जा रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका तो काम जो है सुबह से चालू होता है और शाम को अगर वो अपना काम खत्म नहीं करता है तो जिस दिन सोया देर तक, जिसे कहते हैं कि वो कबीर का एक दोहा आया था कि क्या मंगल क्या पीर, सातों दिन भगवान के क्या मंगल का पीर, और जिस दिन सोया देर तक भूखा रहा कबीर। तो ये गरीब जो है ये बेचारा जागरूक होकर करे तो क्या करे, जागरूक तो अरुण जेटली जी को, प्रधान साहब को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि वो प्रधान पहरेदार हैं, वो कहां सो गए हैं, विदेश में हैं या कहां हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जागरूक होंगे तो देश जागरूक होगा, व्यवस्था जागरूक होगी। अगर वो जागरूक नहीं होंगे तो मेरा ननकू कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, और हरीश जी ये कोई कमी, ये कोई कमी और लापरवाही नहीं है, ये मसला बहुत बड़ा है। ठीक है हरीश जी, आपकी बात आ गई, अमिताभ जी संपर्क कर रहे हैं। हरीश जी लेकिन ठीक है, आगे आप इससे सहमत ना हो हरीश जी, ठीक है, हम जितने भी नागरिक हैं ननकू और, अरे ये पिछले 10 साल से क्यों नहीं हो रहा था, अभी एक साल ही में इल्हाम क्यों आ गया आपको, सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये एक साल में क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को, साथ ही भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। ठीक है, भ्रष्टाचार का ये गुण ये पहले नहीं कह सकते, ठीक है ठीक है, तभी समाप्त हो सकता है। ठीक है ठीक है, ये बात सही है कि हमारे सुरेंद्र भाई ने आह्वान किया है, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जागरूक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये और ठीक है हरीश जी, ठीक है, सब लोग जागरूक होना चाहिए। मैं दो बातों पर अंत में जरूर जोर देना चाहूंगा, एक वॉल्यूम बहुत बड़ा है और इसकी आवृत्ति बहुत तेज है, दोनों चीजों को समझिए, ये छोटा मसला नहीं है एक गैस सिलेंडर का। अगर 10 करोड़ कनेक्शन मान लीजिए आप,
तो उनका वॉल्यूम हर महीने का है ना, साल में 12 बार रोल हो रहा है एक सिलेंडर, 300 × 12 और 10 करोड़ का कनेक्शन, ये वॉल्यूम तो सारे 2G 3G खा जाएगा, सारे जी। इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। और हमें इस बात से, सुरेंद्र राजपूत की बात से सहमत हूं यहां पर, हरीश जी सच को मानना चाहिए, मसला ये आरोप का नहीं है, टोपी पहनाने का नहीं है, मसला ये है कि हिंदुस्तान के का पैसा जो गरीब के खाते के लिए दिया गया है हिंदुस्तान की जनता ने, वो लूट के खाते में नहीं जमा हो जाए। अभी तो खाद का मसला है, बीज का मसला है, अभी सारी किस्म की सब्सिडीज को कैश में तब्दील करने का मसला है। अगर एक पायलट प्रोजेक्ट जमीन पर आके गिर गया तो बाकी का क्या होगा? एक चावल देख के हम अंदाज लगाते हैं ना, एक योजना का देख के हमको लगा कि नहीं, अभी जो सिस्टम है, सिस्टम इन प्लेस, अभी जो सिस्टम जमीन पर है वह सुराख वाला है, इस बात को मानिए, इसमें बहस मत करिए। अभी जो सिस्टम इन प्लेस किया गया है उसमें सुराख ही सुराख है, 5 जिले नहीं, 5 मंडल उत्तर प्रदेश के जहां ये घपला घोटाला हो रहा है। 5 मंडल छोटे होते हैं क्या? उतनी तो आबादी हिंदुस्तान के कई राज्यों की होगी जितने 5 मंडल की आबादी है भारत उत्तर प्रदेश के, इसलिए इसका वॉल्यूम बड़ा है। और मैं कहता हूं वॉल्यूम छोटा हो फिर भी जनता के नाम का पैसा भ्रष्टाचार के निमित्त क्यों जाए? और ये मासिक भ्रष्टाचार है, खाद की सब्सिडी का भी साल में 2 बार भ्रष्टाचार होगा, ये तो मासिक भ्रष्टाचार होगा और गरीब जान भी नहीं पाएगा। क्या करेंगे फिर? मूल सवाल जिसका उत्तर पूरी बहस में मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं आया, पूरे सिस्टम में रेड बटन क्यों नहीं जला जब एक पर्टिकुलर अकाउंट 700, 800, 1000, 2000 कंज्यूमर्स के पेपर्स में ब्लिंक किया? जलना चाहिए था ना रेड बटन, सिस्टम का मतलब ही ये होता है, सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि इसमें एक कोई जेन्यून है बाकी फेक है। ये शिकायत क्यों नहीं, जांच क्यों नहीं हुई पहले, ये सिस्टम को क्यों नहीं देखा गया? नहीं, मैं इसमें केवल गैस एजेंसी के लोगों को शामिल मानकर इस मसले को छोटा नहीं करना चाहता, वो धूर्तता करना चाहते हैं कर भी सकते हैं, लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता उनके कहे से ना, पैसा तो तभी ट्रांसफर होगा जब जो फॉर्म जमा है उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी। अगर पैसा ट्रांसफर हो गया एक एक बाबू के खाते में, गैस एजेंसी के एक चपरासी के बाबू के खाते में 20 लाख रुपया ट्रांसफर हो गया, 20 लाख, मजाक है? गोरखपुर बंबई है क्या? ये जलवा तो गोरखपुर का आदमी भोग रहा है, एजेंसी वाला, ये देखना पड़ेगा ना। और कई कई इलाके ऐसे हैं, ठीक है, लखनऊ में जो पौश इलाका है जहां भवाली लोग रहते हैं, प्रभावशाली लोग रहते हैं, आसिफ मकार रहते होंगे, हरीश जी रहते होंगे, वहां का आदमी नहीं करेगा घपला घोटाला कि भाई ये लोग भवाली लोग हैं, चिट्ठी पत्री करेंगे, ईमेलबाजी करेंगे। लेकिन गांव में, तहसील में, कस्बे में तो जिसकी गैस एजेंसी है वो बंदूक भी रखता है आसिफ मकार, और 4 लठेक भी रखता है साथ में। मैंने भी गैस एजेंसी पर सिलेंडर के लिए जद्दोजहद की है ना, मैं जानता हूं गैस एजेंसी वाला आदमी कितना बड़ा आदमी होता है शहर में, कस्बे में हर आदमी उसको नमस्ते करता है कि भाई सिलेंडर मिल जाए टाइम पर, करता है ना। 29 मार खा जाके उससे बहस करेगा, कल के जो सिलेंडर मिल रहा वो भी मिलना बंद हो जाएगा, 15 दिन बाद सिलेंडर देगा उसको, क्या कर लेंगे? RTI लगाने से मिल रहा क्या सिलेंडर वहां? लठैतों के सानिध्य में तो ट्रक से सिलेंडर उतरता है। इस बात को समझिए, ये छोटा अपराध नहीं है, ये बड़ा अपराध है। और सबसे बड़ी बात हरीश जी, दादी के मरने का दुख नहीं, मौत दरवाजा देख रही है। अगर किसी के नाम में किसी का खाते में ट्रांसफर होने की महान परंपरा
इतनी तेज गति से शुरू हो गई तो भारत का आर्थिक ढांचा चरमरा जाएगा। आज ये कड़वी बात हमको समझनी होगी, वो हम सबके लिए दुखद होगा। फिर तो हजारों हजार करोड़ किसी के खाते में कोई भी ट्रांसफर करा लेगा। ये चूक कहां है? ये तकनीकी चूक नहीं, केवल इसमें प्रशासनिक लापरवाहियां भी जिम्मेदार हैं। कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर बना दीजिए, लोगों का की निगरानी, व्यक्ति की निगरानी फिर भी चाहिए होती है। हमने वो निगरानी तंत्र शायद डेवलप नहीं किया। ये घटना बताती है कि हमने निगरानी तंत्र डेवलप नहीं किया। मेरी शिकायत इस बात से है हुकूमत हिंदुस्तान से कि इतनी बड़ी योजना, इतनी अच्छी योजना, मैं इस योजना के पक्ष में हूं, उसके लिए निगरानी तंत्र पहले होना चाहिए था। बिना निगरानी तंत्र के आपने मेरे टैक्स का हजारों हजार करोड़ रुपया बटने के लिए कैसे छोड़ दिया? आप मिठाई के डब्बे चौराहे पर रख के चले गए, बोले जरूरतमंद ले ले। बकार साहब आए, बोले गाड़ी में रखो सब डिब्बे, हो गए बट गए, तब क्या कर लेंगे? एक उदाहरण दे रहा हूं। फिर तो जो चतुर होगा, समर्थ होगा, वो ले जाएगा। इसलिए इस मैं निवेदन करूंगा, इस योजना को गंभीरता से लीजिए। असीम वकार से भी कहूंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार भी थोड़ा अधिकारियों से कहे, थोड़ा एजेंसी के मालिकों के साथ आंख कान खोलकर व्यवहार करे। और केंद्र की सरकार को तो चाहिए, पेट्रोलियम मंत्रालय को और वित्त मंत्रालय को, कि हिंदुस्तान के खून पसीने का पैसा है जो ट्रांसफर हो रहा है गरीब के लिए, अगर हमने गैस सब्सिडी छोड़ी है हरीश भाई, तो गरीब के लिए छोड़ी है। ये पैसा गरीब तक पहुंचना चाहिए, ये सुनिश्चित करिए। अच्छी योजना होना अच्छी बात है, लेकिन वो नीचे तक जाके भी अच्छी रहे। गंगोत्री में तो गंगा ठीक है, लेकिन कानपुर बनारस आते आते उसका क्या हाल हो जाता है? इस योजना को वैसा मत बनाइए, सिर्फ ये कहने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जी आपका, आसिम वकार साहब आपका, हरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।